गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम हैं जेते, भर में फल प्राप्त हो न जे तो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। गुरु मातम को वार न पारा, वरने शिव सनकादिक और अवतारा, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। ओहो, गुरु को परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही माने और भाव कभू नहीं आने। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे, अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करे निष्कामा। आठों अंग से दंडवत प्रणाम करे लंबा लोट के, निष्कामा बगैर किसी मनोकामना के, केवल अपना शिष्य का कर्तव्य जान करे। तीर्थ व्रत सब करे आवे, गुरु चरणों फल तुरंत ही पावे, चरणामृत कदाचित पावे, है 84 कटे लोग सिदावे। कोटिक जप तप करे करावे, वेद पुराण सभे मिल गावे, गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब क्या बताते हैं, कोटिक जप तप करे करावे, चाहे जप कर ले किसी भी मंत्र का गुरुजी बगैर पूरे संत से लिए हुए, और वेद पुराण सभे मिल गावे, यानी सभी यही बताते हैं, गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब गुरुजी के पास आगे हैं तो रज मस्तक पर आप लागी, यानी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उपदेश मिल गया, फिर भक्ति करे तो सब फल इसी भक्ति और नाम में आपको मिलेंगे। परमात्मा कहते सुमन से भला होगा ना तो भला ना हो, यानी गुरुजी से उपदेश ले फिर भक्ति करे सुमन करे। आगे क्या बताते हैं, सोए गुरु सत जो सार चनावे, यम बंधन से जीव मुक्तावे। अब गुरु भी वही है जो सार नाम देवे, सोए गुरु सत जो सार चनावे, वही गुरु सच्चा है जो सार चनावे, यानी तत्व ज्ञान बतावे और सार सब तक देने का अधिकारी हो, और यम बंधन से जीव मुक्तावे। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। कहते हैं गुरु की पद, पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, जो सतगुरु पूजा की विधि बताता है, उसकी सेवा उसकी पूजा वो साधना वही व्यक्ति कर सकेगा जिस पर प्रभु राजी होगा। और प्रभु किस पर राजी होगा, मम भक्ता मत मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। अब परमात्मा किस पर प्रसन्न रहेगा कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, गुरु का भक्त वो मेरा मेरी आत्मा है, और उसके हृदय में मैं वहाँ विद्यमान रहूँगा। परमात्मा अच्छे परमात्मा की शक्ति से वहाँ हमारे अंदर प्रवेश रहेगी, तो जैसे सूर्य एक स्थान पर है, और जैसे हमने आजकल ये सूर्य ऊर्जा के सौर ऊर्जा के यंत्र ला रखे हैं, वो छत पर लगा दिए जाते हैं, उससे सूर्य से गर्मी ग्रहण करता है और नीचे पानी उबाल रहा है, चाय बना रहा है, दूध बना रहा है, तो वो सूर्य की जो शक्ति उसमें आई, उसने संग्रह किया, वो उसमें वो आने का रास्ता है, और वो डिफेक्ट हो गया तो फिर सूर्य वहीं है, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही कहते हैं जब तक तू गुरुजी का भक्त बना रहेगा तो मैं आपके हृदय में अर्थात मेरी शक्ति तेरे अंदर काम करती रहेगी। तो यह कहते हैं गुरुपद सेवा बिरला कोई, जाप कृपा साहिब की होई, क्योंकि काल डगमग कर ले जाता है, और गुरुजी के पद, गुरुजी की पूजा, गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पद बोलते हैं इसको, कोई बिरला ही इसको करेगा जिस पर कृपा मालिक की होगी। आप देख लो अरबों खरबों मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, अरबों खरबों मानव हैं, उनमें से कितनी पुण्यात्मा है जो भगवान के इस यथार्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए। परमात्मा इसी विषय में कह रहे हैं गुरुपद सेवा बिरला कोई, जाप कृपा साहिब की होई, गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, ही चढ़वी मान बैकुंठा जाई, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जैसे
कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराइये जो सार शब्द लखावे दाओ। अब जैसे सुखदेव जैसो ने भी गुरु बनाए, राजा जनक को गुरु बनाया। राजा जनक केवल स्वर्ग तक जाने पहुंचाने वाले ही टिकट बना सकता था, और वो सुखदेव ऋषि ने बनवा ली, स्वर्ग तक चला गया, वो भी गुरु के बिना नहीं जा सका। पहले ये स्वयं पुराण पूर्व जन्म की सिद्धि थे, पूर्व जन्म की कमाई भक्ति से वैसे स्वर्ग भी जाता था, लेकिन सथाई स्थान नहीं मिलता था वहाँ पर, इसको वापस भेज दिया गया कि यहाँ आने का तो अधिकारी नहीं है विष्णु लोक में। फिर इसको बताया गया कि तू गुरु बना और गुरु के आदेश से भक्ति कर, फिर तू मेरे पास स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा। क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु कियो फिर कीने हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। अब जैसे यहां तक की भक्ति जो अपने स्वर्ग ब्रह्म लोक तक की भी करनी है तो भी इनके गुरु ही बनाने पड़ते हैं। तो इन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। एक तो प्राइमरी का टीचर अध्यापक पांचवी कक्षा तक पढ़ावे, एक दसवीं तक का टीचर है, एक लेक्चरार है। तो कहते हैं गुरु गुरु में अंतर है। तो कबीर परमात्मा सतगुरु हैं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपुण्यात्माओं, अभी तक वेदों को सत मानने वाले, वेदों के ऊपर आश्रित ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों को नहीं समझ सके, और कबीर परमेश्वर ने आकर के इन वेदों का ज्ञान अपनी अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहले ही दे रखा था। अब इस दास पे कृपा करी, उन वेदों को देखा, गीता जी को देखा, तो परमात्मा की वाणी में जो पहले ज्ञान लिखा था वो वेदों और गीता से मेल खाता है, और उसके विपरीत जो अन्य ऋषि महर्षि वेदों के आधार पर जो अपने अनुभव की पुस्तकें लिखे हुए हैं उन्होंने ज्ञान बताया है, वो सारा वेदों के विपरीत है। तो इस विषय में परमात्मा आप ही बता रहे हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुणात्माओं, आज का सत्संग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सतगुरु गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर परमात्मा कहते हैं जय इब कै सतगुरु मिले। इतना ज्ञान समझ में आने के बाद प्राणी को प्रेरणा हो जाती है, जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कैडी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब गुरु जी के सामने आप जाते हो, आपके हृदय में जैसी भी भावना जो प्रेरणा होती है वो अंतर्यामी परमात्मा यानी प्रभु सब समझ जाता है। परमात्मा ने ये एक कंप्यूटर रखा हुआ अपना शुद्ध करके, और उस परमात्मा के पास इसके माध्यम से सब आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक चली जाती हैं, जो तुम सोचकर आते हो, जो आप प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि वहीं से सिमरन करने लगते हो, लाइन में लगते ही ऐसे कहूँगा ऐसे कहूँगा, और वहाँ आकर आप कुछ कह पाते हो कुछ नहीं कह पाते हो, लेकिन उसके कंप्यूटर में आपकी वो सारी जा चुकी है इस दास के माध्यम से। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम जाकर के गुरु के चरणों में शीश रखते हो, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, आपके अंदर की जो भी फील्ड था वो मैटर मालिक के पास पहुंच गया, वो अंतर्यामी है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या कष्ट है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
तो आपने मुख्य तौर पर क्या कहना है कि गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, ये परमात्मा हमसे दृष्टि मत हटाना, चाहे आपके लाखों से सो जाए, आपको तो हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे शिष्य, लेकिन आप जैसे सतगुरु हमको नहीं मिल सकते। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, कबीर अग्नि कबीर अमितोजा, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है जिनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म कौन है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8 अध्याय के प्रथम तीसरे मंत्र में श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, भगवान होता है। अब तीन ब्रह्म, तीन परमात्मा, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में प्रमाणित है। दो पुरुष, एक सर्वपुरुष एक अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म कहो अक्षर सर्वब्रह्म कहो अक्षर ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। पुरुष माने भी परमात्मा प्रभु, और ब्रह्म का अर्थ भी भगवान होता है। अब इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा गया कि ये नकली भगवान भी हैं, ये नाशवान भी अपने आप को ब्रह्म सिद्ध किए बैठे हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं। वैसे भगवान का अर्थ होता स्वामी, भगवान का यानी राम का प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। 21 ब्रह्मांड का राम है, ब्रह्म है, स्वामी है, ज्योति निरंजन काल जिसे ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए ये भी ब्रह्म यानी परमात्मा भगवान कहलाता है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, ये भी परब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म से दूसरा भगवान। और असंख्य ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल ऑलमाइटी, ओवरऑल कंट्रोलर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इस प्रकार ये तीन परमात्मा है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो कुल मालिक है, वो कबीर देव है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक दुलाहे की भूमिका और एक कवि की भूमिका, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपना कार्य संपन्न करके सहसरी चले गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।